ललितपुर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है। मड़ावरा सीएचसी की लापरवाही यहां पर सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही उजागर हुई। ऑपरेशन के बाद महिलाओं को फर्श पर यहां पर लिटा दिया गया। नसबंदी ऑपरेशन के बाद फर्श पर लिटाया गया यहां पर महिलाओं को। कड़ाके की ठंड में नहीं मिला स्ट्रेचर और बेड, जिसकी वजह से महिलाएं जमीन पर। ललितपुर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की तस्वीर उजागर होती दिख रही है। मड़ावरा सीएचसी का यह मामला बताया जा रहा, जहां पर महिलाओं को फर्श पर लिटाया गया है। ऑपरेशन के बाद महिलाओं को फर्श पर लिटा दिया गया। स्ट्रेचर बेड मुहैया तक नहीं कराया जा सका। कड़ाके की ठंड में नसबंदी ऑपरेशन के बाद फर्श पर लिटी महिलाएं। संजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। संजीव, बेड तो हमें इन तस्वीरों में दिख रहा है कि उपस्थित है, लेकिन महिलाएं फिर फर्श पर क्यों हैं? शिवानी जी, आपको बता दूं कि जिस तरह से मड़ावरा स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही लगातार उजागर हो रही है और उन तक कार्रवाई न होने के वजह से जो डॉक्टर है, उनकी कर्मचारी है, उनके हौसले बुलंद है। सीएमओ साहब बराबर बार बार कह देते हैं कि जांच करा रहे हैं, जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन भाई हटाया डायलॉग वो बार बार बोलते हैं और उन पर कोई कार्रवाई ना होने से इनके हौसले बुलंद है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से अस्पताल के अंदर पलंग खाली पड़े हैं, उसके बावजूद भी जो गरीब महिलाएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका। तो एक बार फिर से यहां पर मड़ावरा सीएचसी की लापरवाही देखी गई है, जहां पर महिलाएं जो हैं वो फर्श पर हैं। नसबंदी के ऑपरेशन के बाद महिलाओं को बेड और स्ट्रेचर नहीं मुहैया कराया गया। स्वास्थ्य विभाग यहां पर घोर लापरवाह बना हुआ दिख रहा है। कड़ाके की ठंड में भी महिलाएं फर्श पर लेटी नजर आई हैं, जहां पर उनको स्ट्रेचर और बेड की